गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। तो आज की मॉर्निंग का व्यू हमारे यहाँ से ये है और योगेश बताते हैं। वैसे क्लियर दिख रहा है मगर कैमरे में शायद धुंधला आ रहा है, अगर आपको अब दिखे तो। हाँ, पीछे हिमालय व्यू। हिमालय व्यू, तो दोस्तों आज का हिमालय व्यू और उसके बाद आज का हमारा यहाँ का स्टे का लास्ट डे, और हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और फिर उसके बाद फिर रामगढ़ घर पे। तो रास्ते के आपको व्यूज दिखाते हुए, सारी इंफॉर्मेशन देते हुए, सब कुछ करते हुए फिर आपको आगे लेके चलते हैं आगे की जर्नी में, क्योंकि हमारे साथ ये भी है, इसके साथ भी हमें मैनेज करना होता है। Yes. इसने बहुत तंग किया होटल वालों को तो हमें भाग के वापस आना पड़ा बागनाथ मंदिर से, नहीं तो हम शायद आधा एक घंटा और कुछ भी दिखाते आप। तो फ्रेंड्स, ये आज की मॉर्निंग का फिर व्यू, हिमालय दर्शन अगेन, और पूरी रेंज आज फिर दिख रही है। यहाँ से आपको गोल्डन ग्लो दिख रहा होगा, पूरा A to Z गोल्डन ग्लो है, नीला आसमान, साफ सुथरा, मतलब शाम को बिल्कुल ये पहाड़ बादलों से ढक जाते हैं। ठंड होती होगी ना, तो शायद ये सारे ठंड की वजह से बादल सब ऊपर आ जाते हैं। बिल्कुल, बादल ऐसे होते हैं जैसे हिमालय को रात को सोने के लिए पूरा एक कंबल दे दिया गया हो। हाँ। बीच का जो है ये सबसे बड़ा है, ये 8,000, ये वाला 7,816 मीटर हाइट है उसकी। चलते हैं नीचे और रेडी होते हैं और चेकआउट करने के लिए अपना तैयार होते हैं, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट। हाँ, फिर मिलते हैं हम ब्रेकफास्ट। ये हमारे रूम की एंट्री के लिए नीचे स्टेयरकेस, और स्टेयरकेस के बाद सामने रिसेप्शन। गुड मॉर्निंग। और ये इनका बहुत प्यारा सा बना हुआ एक रेस्टोरेंट, और ये हमारे रूम की गैलरी, और ये हमारा रूम, ये हमारे रूम की एंट्री, ये हमारा रूम, ये एक अलमीरा, कोट वोट कपड़े टांगने के लिए हैंगर टाइप ऑफ, ये एक बहुत प्यारा सा नाइट लैम्प, बहुत अच्छा जलता है, बहुत प्यारा लगता है रात को। ये हमारा बेड है जो खेंडा पड़ा है, यस, और ये हमारी बे विंडो है जहाँ जोई चढ़ जाता है, और यहाँ से हमारी बे विंडो से पूरा हिमालय व्यू, और बाहर एक बालकनी है बैठने के लिए, बट हम लोग बैठ इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत है, और ठंडा होने के कारण हम लोग ऊपर ही चाय पी रहे थे। रोमा रेडी कर रही है सारा चेकआउट करने के लिए, क्योंकि घर कमरा सारा खींचा पड़ा है। तो दोस्तों, सारा करने के बाद आपको मिलते हैं ब्रेकफास्ट में। योगेश सारी पैकिंग कर चुके हैं, और मोबाइल और चार्जर भूल गए थे। नहीं, मैंने चार्जिंग लगा रखा है योगी मेरा। नहीं, मुझे चार्जिंग करना है, अभी ब्रेकफास्ट करना है ना। अच्छा, तो तब तक लगा के रखो, क्योंकि मेरे को फोन मेरे को तो मेरा फोन चाहिए होता है ना, यू नो ना और मैं भी रेडी हो गई हूँ साथ में। बिल्कुल, और तो वेट कर रही हूँ किसका? दुश्मन का, ब्रेकफास्ट का। यस, वो आए तो हम टूट पड़े। वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे दोस्त हैं जो हमारा पेट भरते हैं। हम अपनी अन्नपूर्णा का वेट कर रहे हैं। यस, और हमारा जोई देखिए कहाँ कहाँ बातें सुनने के लिए आसपास खड़ा है, चुगलियां कर रहा है। ये है जोई, जो साथ वाले रूम से वॉइस आ रही है तो वो सुन रहा है। जोई और यहाँ के नजारे, तो ये मन भावन,
मन ही नहीं भरता है इन नज़ारों से। तो चलें फिर अब ब्रेकफास्ट करते हैं, इंतज़ार है। निकलना था तो जल्दी जल्दी हमने ब्रेकफास्ट किया, साथ में जोई भी पूरा ब्रेकफास्ट कर चुका है अपना पनीर, और हम जाने की तैयारी है। थोड़ा सा जल्दी है इस वजह से ब्रेकफास्ट में नहीं मिले, अब मिलते हैं हम गाड़ी में, तो चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग रेडी हैं, गाड़ी हमारी खुली हुई है, बैग हमारा रखा जा रहा है, और तो हम लोग रामगढ़ निकलने के लिए रेडी है। तो चलते हैं फिर और रास्ते के नज़ारे दिखाते हैं, हमारी टैगलाइन नज़ारे पहाड़ों के। तो चलो चलो। तो हम लोग अपने रिजॉर्ट से निकल चुके हैं इन नज़ारों के साथ, हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है रामगढ़। यस, रामगढ़ के लिए हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली है। बिल्कुल। और ये पहाड़ों के आपके नज़ारे, और फिर हम मिलते हैं रास्ते में इन्हीं नज़ारों के साथ। बिल्कुल। तो इन नज़ारों के साथ हिमालय देवता को गुड बाय कहते हैं, और ये कहते हैं हिमालय देवता की जय। योगेश, जो ही जो बेचैन हो रहा है ना, वो पता क्यों हो रहा है? वो बेचैन हो रहा है, पीछे उसने देख लिया था एक मोटा बंदा है। हाँ, वो तो देखा है। तो उसको देख के ये सोच रहा है कि मैं उसको डराऊं। डराऊं? पर वो तो बंदर है, वो तो अपना चला गया सीधे रास्ते, मस्त होके चला गया। और ये बेचैनी होता रहा। हाँ, ये हो रहा है कि मेरे से देखिए खड़ी है। बिल्कुल। तो योगेश, अब हम थोड़ा सा गाड़ी को खींचते हैं और निकल पड़ते हैं जितनी जल्दी हो सके। हाँ, रामगढ़ पहुँचते हैं, क्योंकि दोपहर की गर्मी जो हो जाती है ना, रोमा बहुत बुरा हाल, वो बहुत बुरा हाल कर देती है। कल का हमें पता है ना, जब हम वहाँ गए बागेश्वर, क्या हाल हुआ? हमें अल्मोड़ा मार्केट से होते हुए जाना है। हाँ, हमें मिठाई भी लेनी है, हमें ट्रैक लेना है। तो चलो चलो, क्योंकि हमें ट्रैक लेना पड़ेगा अल्मोड़ा पहुँचने से पहले। यस। नहीं तो हम क्या होगा, बाईपास से निकल जाएंगे, फिर बात वही की वही रह जाएगी। नहीं नहीं, चलो चलो चलो, ठीक है चलो। हमने यहाँ शॉप देखी और मैं यहीं रुक गई। यहाँ करवा चौथ के सारे बर्तन पड़े थे, थालियाँ थी, करवे थे, और ये शॉपकीपर है जिनसे हमने लिया है। थैंक यू भैया। ओ, मैंने अपने लिए एक ये ले लिया, बहुत अच्छी लग रही थी, तो ये लेते हुए हम निकलते हैं फिर। तो हम लोग सोमेश्वर मार्केट पहुँच गए हैं, और अच्छी खासी बड़ी मार्केट है ये योगेश। एक यहाँ पर सोमेश्वर देव का मंदिर है। अच्छा। राइट साइड पे, जिसको बद्रीनाथ मंदिर समूह के नाम से जाना जाता है द्वारा हाट में। अच्छा। तो दोस्तों हम लोग वहाँ दर्शन आज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग बस नीचे उतर रहे हैं। नीचे भी उतर रहे हैं और हमारे साथ जोई है। हमारे साथ जोई है, और उसकी वजह से हम लोग कहीं रुक नहीं सकते हैं, ज्यादा नहीं रुक सकते, और उसको अकेला गाड़ी में छोड़ नहीं सकते, अकेला पार्किंग में नहीं छोड़ सकते गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये हुड़दंग मचा होता है। नहीं, इसकी केयर करते हैं हम लोग, हुड़दंग तो अलग बात है, हम केयर करते हैं योगेश, ऐसी बात नहीं है। आप ना दिल से कितना भी उसे इतना प्यार करते हो, पर मुंह पर उसको हमेशा डांटते फटकारते रहते हो, ये तो आपकी आदत है। दोस्तों अच्छी बड़ी मार्केट है सोमेश्वर। हाँ। और ये भी एक अच्छा धाम है जहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। सबकी अपनी मान्यता है, सबकी अपनी अपनी वो है। और मार्केट तो अब खत्म हो चुकी है, और योगेश धूप इतनी तेज आ गई है ना, ऊपर सन की रेज ऐसे दिख रही है मेरे को, बहुत तेज रेज आ रही है। बिल्कुल, वो तो देखो रोमा, अब इस टाइम पे सन जो है वो सर पे है, पीक पे है, सर पे है, और बस पहुंचे अब फटाफट से, क्योंकि यहाँ ना गर्मी भी बहुत है और सर्दी भी बहुत है। चलो फिर, चलो तो चलते हैं और रास्ते के नज़ारे और दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अल्मोड़ा पहुंचने वाले हैं। योगेश, अभी तकरीबन कितने टाइम लगेगा अल्मोड़ा पहुंचने में? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, वेरी गुड। और सामने देखिए लैंड, ये डिफेंस लैंड है जितना भी है ये, हमने वहाँ पढ़ा था, हमें आइडिया भी नहीं था ये इतनी क्लीन, ये ऐसा क्यों है। बिल्कुल। तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा था डिफेंस लैंड। तो योगेश ने मेरे को दिखाई, मैंने लाइक मीन्स हो सकता है ये ट्रेनिंग वगैरह होती होगी यहाँ पर। सिर्फ मैंने देखा उस पे गाय चरती है घास, और ज्यादा क्लीन कर रही है।
ये तो है। ये देखो ऊपर गाय भी है। मेरा राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा दिखाना। हाँ। अभी थोड़ा सा आबादी एरिया आया, उसके बाद फिर दोबारा से वो एरिया आएगा, तो दिखाना कि ये पूरा अल्मोड़ा शहर है। यहाँ से पूरा अल्मोड़ा शहर है, शहर है। हाँ, ये आप अगर देख रहे होंगे पिंक ब्लू व्हाइट ग्रीन येलो, ये टोटल अल्मोड़ा शहर, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा अल्मोड़ा शहर पूरा आप देख रहे होंगे। बिल्कुल दोस्तों, तो हम लोग अल्मोड़ा शहर लगभग टच कर चुके हैं और उसके बाद हम मार्केट पहुंचते हैं। हम मार्केट पहुंचते हैं और वहां से क्या खरीदते हैं वो आपको बताते हैं। तो चलो ठीक है भैया, ये स्टूल आप दिखाओगे? स्टूल चाहिए, कोई थोड़ा हैवी में दे दो, बाथरूम के हिसाब से ये ठीक रहेगा। कितने का है ये? पड़ेगा 500 रुपए का। ये अब ज्यादा अब कौन आएगा रामगढ़ से वापस देने? नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बढ़िया सर, आप बताएं ये कितने का पड़ेगा सर अपने को? अरे सर, वो लाइफ गारंटी तो खैर हमारी भी नहीं है, वो तो ऊपर वाले ने कभी भी नहीं रखी किसी की लाइफ गारंटी। भाई सबसे हमने स्टूल लिया, इन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया। क्या नाम है सर आपकी दुकान का अल्मोड़ा में? जे एम के जनरल स्टोर। ये इनके यहाँ पेंट हार्डवेयर का सारा सामान मिलता है, आप यहाँ आए तो ज़रूर लें। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है, तो हम अब अपनी गाड़ी पे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो योगेश एक बात बताओ, आपने ये जो स्टूल लिया है, हाँ? वो रेड कलर का क्यों लिया? रेड कलर का था ही, वहाँ दो ही स्टूल पड़े थे और दोनों ही रेड कलर के थे। अच्छा, दोनों ही? और कोई कलर ही नहीं था। मुझे लगा मेरा फेवरेट है ना रेड, इसलिए लिया। ये कह सकती हो तुम कि तुम्हारा फेवरेट है रेड, इसलिए लिया। बढ़िया, ये मैंने लिया है रेड कलर का। ये ऑरेंज वो कहते हैं रेडिश ऑरेंज कलर था, अच्छा लग रहा है पर। नाइस, गुड चॉइस, थैंक यू। ये रश ना काफी शुरू हो चुका है, काफी रश। अल्मोड़ा शहर हो गया तो रश तो होएगा ही, क्योंकि अब देखो हम लोग जो मिठाई लेने की सोच रहे थे खीम सिंह की, वो नहीं ले पाएंगे। कारण ये क्योंकि वहाँ पार्किंग की समस्या है, पार्किंग नहीं मिलेगी, हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। कोई बात नहीं, बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी शॉप है, जो पिछले बार हम रुके थे वहाँ भी मिठाई खाई। हाँ, वो भी अच्छी थी मिठाई, अच्छी थी। बट वो डिफरेंस तभी पता लगा जब हम दोनों को खा के टेस्ट करके देखे। यस, एक हमने चॉकलेट मिठाई लेनी है, एक हमें वो पत्ते वाली लेनी है। हाँ, तो देख लेते हैं कौन सी अच्छी दुकान मिलती है, जो अच्छी दुकान दिखेगी वो ले लेंगे। तो चलो फिर चलते हैं। मैं खेम सिंह मिठाई वालों को ये बोलूंगा कि आप अपनी दुकान ना एक बार ही बाईपास रोड पे भी ले आए। हाँ। नहीं तो आपकी सेल टूट जाएगी। काफी टूट गई है, हम जैसे लोग जो ढूंढते हुए आते हैं। हाँ। सिर्फ पार्किंग की समस्या होने की वजह से मार्केट पे नहीं जा पाते। तो कृपया करके एक शॉप आप अपनी ब्रांच जो है वो बाईपास रोड पे भी खोले। हाँ, चाहे छोटी खोले। तो हम अल्मोड़ा आए, ऑल इन वन, योगेश का एक ही काम चाय पीनी है, तो हम इधर रुके हैं माँ स्वीट एंड रेस्टोरेंट। और योगेश इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं खीम सिंह की दुकान का कि यहाँ पर खीम सिंह स्वीट भी है। अब देखिए क्या मिलता है, कहाँ से लेते हैं, खीम सिंह से या माँ स्वीट से। तो हमने चॉकलेट वाली स्वीट लेनी है और सिंगोड़ी लेनी है, पर योगेश यहीं पर ही है माँ स्वीट से, सोच रहे हैं वहीं चाय पिए और वहीं सब कुछ ले लें। तो चलती हूँ मैं भी, फिर देखते हैं क्या लेते हैं। और योगेश के साथ साथ जोई भी वेट कर रहा है कि क्या किया जाए। पकौड़ी चाहिए? पानी पकौड़ी है? ले लो अगर मन है तो। नहीं, पूछ रहे हैं बार बार। ले लो, थोड़ी सी ले लो। ये बनी है आलू प्याज? ये तो मेरे को लग रही है सिर्फ प्याज की है। हाँ। कर दो थोड़ी सी। प्याज की, आलू प्याज की नहीं है, प्याज की है। तो प्याज की है, थोड़ी सी खाई जाए, देखते हैं। जैसे भी कह रहे हैं, 30 की हाफ प्लेट। हाँ तो लगा दो बस एक प्लेट। हम लोग यहाँ चाय पीने रुके, रोमा
मैंने पकौड़ी भी ऐश कर दी, तो चाय पकौड़ी चल रही है विद चटनी, विद हरी चटनी लहसुन वाली, अच्छी है। चलो चाय पीते हैं फिर निकलते और पकौड़ी खाते हैं और फिर निकल चलते हैं जल्दी जल्दी। यस, तो बना द्वारा आना ही है आपके सामने है। चॉकलेट और ये वाली चॉकलेट दोनों एक ही है? सेम वही है सर, वो ट्रे में रखे लगे। अच्छा, अलग अलग ट्रे में रखी है। दोस्तों आधा किलो ये और आधा किलो ये। हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों हम चल पड़े हैं मिठाई लेके टुवर्ड्स रामगढ़। अब नॉन स्टॉप रामगढ़ पर चलेंगे, अब कहीं रुकना नहीं है, कहीं नहीं रुकेंगे क्योंकि बहुत लेट हो चुकी है। हाँ। जो ही परेशान हो चुका है मेरा, तो ही तो वैसे ही वो तो आत्मा ही परेशान है। पर एक बात है, जो ही तंग नहीं करता। एक बात तो मैंने देखी है, जोई की आत्मा वैसे ही परेशान है। नहीं, पर जोई बहुत अच्छा है। जोई आत्मा परेशान है इसकी, इसकी है ना जोई? आईब्रो पे ब्लैक ब्लैक किया लगा हुआ है, पता नहीं समझ पता नहीं, नहीं कुछ लगा के आया होगा वहाँ से। तो अब हम चलते हैं रामगढ़ की तरफ। रास्ते में कुछ दिखा तो दिखाते हैं, अदरवाइज घर पे मिलते हैं। बिल्कुल घर पे मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि रास्ता ऐसा लग रहा है ड्राउजी टाइप का, बहुत ज्यादा धूप तेज हो गई है, बहुत धूप तेज हो गई है और ड्राउजी हो रहा है बहुत ज्यादा। जी, हमने महाकाली मंदिर क्रॉस किया है और वो ऊपर अल्मोड़ा क्रॉस करके, ये अल्मोड़ा हम क्रॉस करके आए हैं। दिखेगा कम क्योंकि दूर बहुत है और दूर की चीज देर से दिखती है। और मैं कोशिश कर रही हूँ दिखा दो दूर की चीज भी, तब तक आप पहाड़ों के नजारे लो, जितने ले सकते हो ले लो, अच्छे से लो नजारे, क्योंकि नजारे पहाड़ों के। और ये बादल, खूबसूरत बादल। तो दोस्तों पहाड़ों में इन नजारों का अपना ही एक आनंद है, उस आनंद को आप लोगों को महसूस कराने के लिए ही हम लोग घूमते रहते हैं। और इस आनंद के मजे लीजिए जितने ले सकते हो। यस, क्योंकि ये नजारे जो है ना कहीं नहीं मिलेंगे, बिल्कुल ना ये मजा मिलेगा कहीं। ये बात तो तुमने ठीक कही रोमा, कि ये आनंद वैसे कहीं नहीं मिलेगा जब तक आप यहाँ आके खुद एंजॉय नहीं करेंगे, महसूस नहीं करोगे जब तक, क्योंकि दूर दूर का नजारा जो है ना वो आप सिर्फ कैमरे से ही महसूस कर सकते हो, गाड़ी चला के गाड़ी में बैठ के भी तब भी नहीं महसूस होता इतना। पर जो आपको हम ये दिखाते हैं उसका तो अलग ही एक मजा है। तो दोस्तों आज आपको हमने जो पुरानी वीडियोस है उसमें हमने आपको हिमालय देवता के दर्शन भी करा दिए, जो सबसे ऊंची चोटी है जिसमें भगवान शिव विराजमान है वो भी दिखा दिया। तो दोस्तों हम नथवा खान से नीचे कार्तिकेय मार्ट पे रुक गए हैं, तो यहाँ पर रोमा ने मुझे बता दिया, रोमा गाड़ी में ही है, तो रोमा ने मुझे बता दिया है कि हाँ मुझे क्या क्या लेना है। तो एक तो चीज़ लेनी है, चीज़ स्लाइस ले लेते हैं, और छोटे वाले स्लाइसेस ये वाले, ये बेटर है, ये वाले, और साथ में बटर ले लेते हैं, आंचल का बटर है। थकावट के मारे उसका बुरा हाल है, जो ही बहुत तंग कर रहा है गाड़ी में बैठ के। ये सांप है। अच्छा। चीज ले लिया है, बटर नहीं है, आंचल का, अमूल का है। अमूल ले लूं?
कौन सी? ये अमूल की एक वो ले ली है दोस्तों। रोमा भी नीचे उतर गई है और हम लोगों ने सामान भी ले लिया है कार्तिक के मार्ट से। नेक्स्ट टाइम जब याद आएगा फिर आ जाएंगे लेने। हाँ अब तो यही नजदीक में ही है नीचे। बिल्कुल पक्का है। पक्का। हम यहाँ से गए थे यहाँ से, हमने कार्तिक के स्टोर दिखाया अपने ब्लॉग में। अच्छा। पर रुके नहीं उस दिन, हमने बोला नेक्स्ट टाइम रुकेंगे। हर दाल से लेके सब सामान उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मार्ट में आपको सारा सामान मिल जाएगा। सारा सामान मिल जाएगा, ऑल ब्रांडेड आइटम्स। ये इसको एक अचार भी दिख गया, वो आप ही को लेना था। ये टॉप्स का मिक्स पिकर अचार भी ले लिया है इसने। तो यहाँ दालें, मसाले, बेकरी की आइटम्स, बिस्किट्स, बाकी यूजफुल आइटम्स सारी यहाँ मिल जाती हैं आपकी। रोमन नमक तो नहीं लेना? नमक पड़ा हुआ है ना बस। ठीक है ठीक है। तो इनके पास ना, अरे इनके पास अंगूरी राइस भी है। अंगूरी भी है, शरबती भी है। रोमा बोल रही है यहाँ गांव में भी लोग आलसी होने लग गए क्योंकि यहाँ पर ना ये देखिए रैप वाली रोटियां आने लग गई यहाँ गांव में। रुमाली रोटी बिल्कुल बहुत बड़े बड़े हैं। टीवी ये लोकल की नहीं है। तो फ्रेंड्स हमने सामान ले लिया सारा घर का जो जो लेना था बिल्कुल, और हम अब बस 5 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं। और बहुत थक चुके हैं, इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई है। तो योगेश तो दोस्तों नथवा खान से नीचे आ चुके हैं, हम घर पहुंचने वाले हैं। पहले ये सोचा था कि ब्लॉग को घर पे एंड करेंगे, मगर थकावट इतनी है और सामान ऊपर लेके भी जाना है तो ब्लॉग को यही एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल योगेश भाटिया।